अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो को हमने बटर पे ही ख़त्म कर दिया था और हमने आपसे कहा था कि हम पार्ट टू शेयर करेंगे जिसमें हम बन कबाब और बन बनाना आपको सिखाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बन भी बनाएंगे और बन कबाब भी बनाएंगे। उसी की कंटिन्यूएशन की वीडियो है जिसमें हमारा वही बटर का जो बटर मिल्क बचा था उसी से हम वो चीज़ें बना रहे हैं और उसी बटर को यूज़ करते हुए हम बन कबाब भी बनाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अब बन कबाब बनाना। अब हम बना रहे हैं सेकेंड स्टेप जिसके अंदर बन कबाब बनाने, उसके लिए हम बना रहे हैं कबाब। कबाब बनाएंगे हम दाल और आलू से, जो बेसिक कबाब होते हैं, जो नॉर्मली हर बन कबाब, जो देसी बन कबाब, पुराने स्टाइल के जो बन कबाब होते हैं उसमें सिर्फ दाल और आलू का इस्तेमाल होता है और उसी से वो कबाब बनाए जाते हैं। आधा कप हमने लिए चने की दाल, एक ये हमने बर्तन लिया, इसके अंदर हमने चूल्हा जला दिया, इसके अंदर हम पानी डालना है और पानी हमने इतना डालना है कि दाल जो है वो उसके अंदर डूब जाए। ये दाल हमने धो ली थी और धोने के बाद हमने रखा था इसको, इसके अंदर हमने ये दाल डाल दी है। सबसे पहले इसके अंदर हम डाल रहे हैं ज़ीरा, तकरीबन ये आधा टीस्पून है, और ये काला ज़ीरा भी इसमें डलता है, इसका जायका बड़ा मुनफरद होता है। आधा टीस्पून हमने काला ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर, आधा टीस्पून इसके अंदर डलेगी लाल मिर्च, और ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर धनिया पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर आधा टीस्पून। ये गरम मसाला है, अब हम गरम मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा जायके के लिए। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको थोड़ा चटखारेदार चाहिए तो थोड़ा सा गरम मसाला अच्छा जायका देता है। फाइनली हम इसके अंदर डाल रहे हैं अब नमक। नमक हंस पे जायका होता है, इसके अंदर हम आधा टीस्पून जो है वो नमक डालेंगे। ये टीस्पून है इसलिए आधा हम डाल रहे हैं इसके अंदर। इन चीज़ों को हम ज़रा मिला देते हैं, अब मसाले सारे मिक्स हो जाए। और अब इसको हम रख देते हैं हल्की आंच पे दाल को, ताकि ये दाल गल जाए। हमने दाल उबालने के लिए जो रखी थी मसाले डाल के, वो उबल चुकी है और दाल बिल्कुल गल गई है। देखिए बिल्कुल दाल गल गई। अब इस दाल को हम मैश करेंगे इस पतले के ऊपर, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके मैश करेंगे बेलन से। ये दाल मैश हो गई है, ये मैश हुई दाल हम बर्तन में जमा करते रहेंगे। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस दाल के अंदर से जो मैं मैश कर रहा हूँ। ये दाल हमने सारी पीस ली है बेलन की मदद से और बेलन और पटले के ऊपर, दाल सारी पीस के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम जो है आलू जो है वो मैश करेंगे इसके साथ। नॉर्मल इसके अंदर दो बड़े आलू इस्तेमाल होते हैं, और लेकिन हम ये आलू थोड़े छोटे थे तो हम इसके अंदर तीन आलू डालेंगे। ये बैटर पूरा अपना मिक्स हो चुका है, अब इसको जो है आप टेस्ट कर लीजिएगा इस मौके पे, ताकि अगर कोई चीज़ नमक कम लगे या कोई मसाला आपको कम लगे तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ उसको, हर चीज़ परफेक्ट लग रही है मुझे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लग रही। हमने मसाले पहले शुरू में ज़्यादा इसलिए डाले थे इसके अंदर, क्योंकि जब आलू जाता है तो वो मसाले पे डाइल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि आलू भी बगैर किसी चीज़ के डलता है। आलू उबले हुए आलू डाले थे हमने इसके अंदर उबाल के, विदाउट एनी थिंग, सिर्फ प्लेन पानी के अंदर उबाल लिए थे और फिर इसके अंदर मैश करके मिक्स कर दें। अब ये बन गए, अब हम इसके कबाब बना के इसको रख देंगे, और जब हमारा फ्राइंग का टाइम आएगा तो फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। कबाब बनाने के लिए आपने थोड़ा सा बैटर लेना है, इसको गोल बॉल बनाना है और इसको यूँ फ्लैट कर देना है। इसको आलू के शामी भी कहते हैं, बन कबाब वाले जो अक्सर कहते हैं कि आलू का शामी डालो, ये घीमे का, ये आलू का शामी भी कहलाया जाता है। ये कबाब जो है तैयार हो गया है। ये हमने प्लेट ले ली है ताकि हम इसके अंदर इसको रख सकें कबाब को बनाने के बाद। ये हमने कबाब बना लिए, तकरीबन 17
देखिए बन गए हैं इसके, बन कबाब के लिए 3 छोटे आलू में और आधा कप दाल के अंदर। बन कबाब के लिए हम चटनी बना रहे हैं। चटनी के अंदर धनिया डलेगा, 4 मिर्चियाँ हम डाल लें और पुदीना डाल रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये नेचुरल विनेगर है, सुर का सिरका डालेंगे नेचुरल इसके अंदर हम, और थोड़ी सी दही डालेंगे और नमक डालेंगे। इससे हम ये चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हम ब्लेंडर के अंदर ये हमने धो लिए अपना धनिया, इसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम ये धुला हुआ पुदीना डाल रहे हैं, तकरीबन आधा गड्ढी है। इसके बाद इसके अंदर हम ये 4 छोटी हरी मिर्चें, ज़रा तेज़ होनी चाहिए, वो डालेंगे। तकरीबन आधा चम्मच टीका नमक डाला इसके अंदर। एक टेबल स्पून के करीब तकरीबन सिरका डालेंगे इसके अंदर हम। ये नेचुरल विनेगर है, सिंथेटिक विनेगर नॉर्मली लोग यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है हम दही डाल देंगे, पानी शामिल कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून अपना दही डाल दी थी क्योंकि थोड़ा तेज लग रही थी हमें मिर्ची इसकी, और थोड़ा सा पानी और शामिल किया था। और ये अब तैयार हो गई हमारी चटनी, हम इसको अब मिक्सी बॉल के अंदर निकाल रहे हैं। जो बटर मिल्क है उससे बन बना रहे हैं बन कबाब के लिए, और ये बटर मिल्क हमारा निकला है तकरीबन 550 ml। और ये मशीन है, इसके अंदर हमने 4 कप आटा ले लिया है मैदे का, और इसके वजन हमने किया तकरीबन 625 ग्राम ये बनता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। ये 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया हमने इसके अंदर, और हम इंस्टेंट यीस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंस्टेंट यीस्ट के लिए जो है हमें इसको अपना राय पानी में डाल के, वो गर्म पानी में डाल के प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं। ये हमने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून यीस्ट डाल दिया। हम थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर स्लोली स्लोली बटर मिल्क डालेंगे। बटर मिल्क पूरा नहीं जाएगा इसके अंदर, करीब बचा है बटर मिल्क 550 ml का, तो तकरीबन 400 ml जो है बटर मिल्क इसके अंदर जा चुका है, और ये 625 ग्राम जो है आटा था इसके अंदर। अब हमें लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो गई है, और अभी भी ये जो है सही तरीके से गूंदा जा रहा है। डो जो है तकरीबन तैयार हो गया, हम इसको निकाल रहे हैं। अब इसको हम रख देंगे राइज होने के लिए इसके अंदर, ऑयल लगा के हमने रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने जो अपना आटा रखा था फुलाने के लिए राइज करने के लिए, वो राइज हो गया। अब हम इसका वजन कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से इसके पेड़े बना के हम फिर बन बना लेंगे। 1040 ग्राम है। वैसे तो हमें नॉर्मली 60 से लेके 80 ग्राम की वेट के बन बनाते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन दी कितना आटा होता है और किस तरह से डिवाइड होता है, कि ये पूरा ट्रे जो है अच्छी तरीके से फिल हो जाए। अब हम इसका जैसे 1040 ग्राम है तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे 16 से, और जो वज़न आएगा उस हिसाब से हम वज़न करके इसको बनाते रहेंगे। तो ये 65 ग्राम बन रहा है, ये 65 ग्राम के हम बन बनाएंगे और 16 बन बना के इसके अंदर हम सेट करेंगे, और हम आपको ये प्रोसेस फिर आगे दिखाते हैं।
पूरी ट्रे जो है हमने फिल कर दी है, ये सब एक दूसरे से हमने जोड़ दिए हैं और ये जब फूलेंगे तो और अच्छी तरीके से जो है आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम इनको रख देते हैं फुलाने के लिए, वापस से राइस करने के लिए। ये बन जो हमने रखे थे राइस होने के लिए, अब देखे राइस हो गए प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको ओवन में डाल दें, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ओवन रखा है, इसके अंदर हम डालेंगे इसको। हमारे बन इसमें तकरीबन 20 मिनट से बन रहे हैं, इधर चेक कर लेते हैं कि नीचे से तैयार हुए या नहीं। अभी जैसे ही ओवन से निकले तो थोड़े सख्त होंगे ये, लेकिन ये देखें आप कितने सख्त लग रहे हैं आपको, लेकिन ये जैसे ही ठंडे होंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और नरम हो जाएंगे। फिर इनका हम बन कबाब बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखें बन हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए और अब सॉफ्ट भी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम असेंबली शुरू कर रहे हैं कबाब की। सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली, जो जो चीज़ें चाहिए। ये हमारे कबाब हैं जो हम फ्राई करेंगे, ये हमारे बन हैं, ये हमने प्याज ले लिए, इसके अंदर हमारी चटनी जो हमने बनाई थी, ये हमने 2 अंडों की सफ़ेदी लिए जिसको हम बीट करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बटर है जो कल हमने बनाया था, इसको बटर में हम कम्प्लीटली बनाएंगे। सफ़ेदी को अच्छी तरीके से फेंक लिए, ये काफ़ी फ्लफी हो गई है। अब हम बटर ले रहे हैं, देखिए कबाब हमने इसके अंदर डाला है। इसी तरह इसको हम कम्प्लीटली इसके अंदर वो करके फिर हम इसके ऊपर ये डाल, कबाब हमारा फ्राई हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर साइड में इसको रख देंगे ताकि दूसरा कबाब हम तैयार करें। दूसरा कबाब हमने डाल दिया इसके अंदर। ये कबाब और हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इन तीनों बन को आपको असेंबल कर रहे हैं। ठीक है, बस बन को हम बीच में से काटेंगे और उसको खोलेंगे। ये देखें हमारे बन, अब इनको हम थोड़ा सा और बटर जाएगा। इसके अंदर हम सॉस डालेंगे। इसके ऊपर हम ये पेटी रखेंगे। प्याज आ गया इसके ऊपर। ये देखें दूसरा हमारा बन कबाब तैयार हो गया।
ये हमारे बन का अब तैयार है। ताज़ा ताज़ा बन कबाब बने गरम गरम, हम गरम गरम ही इसको टेस्ट कर रहे हैं। ये देखें बन कबाब हमने बनाए और इसके अंदर हमने सारा बटरी का इस्तेमाल किया फ्राइंग में भी। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि बटर ताज़ा बनाया था तो इसलिए हमने बटर का इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त मज़ेदार बन कबाब बनाए, बड़ा ज़बरदस्त जायका है इनका। आप लोग भी घर में बनाएं और ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और बटर भी बनाइए और इस्तेमाल कीजिए अपने घर में, क्योंकि इट्स अ हेल्दी प्रोडक्ट और आप लोगों को ज़रूर उसमें मज़ा आएगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। गुड लक।